सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फोन को एज अ ब्लूटूथ रिमोट यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक बजट एंड्रॉयड फोन है या एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन है, आपके एंड्रॉयड फोन में आईआर सेंसर या आईआर ब्लास्टर है या नहीं है, फिर भी आप अपने एंड्रॉयड फोन को एज अ ब्लूटूथ रिमोट यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ। इस सेम टॉपिक पे ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट एक साल पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किए थे जिसमें गूगल का ही एक ऐप आता था, एंड्रॉयड टीवी रिमोट ऐप, जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते थे। बट अब वो ऐप डिसकंटिन्यूड है, आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। तो गूगल जो है ना, उस ऐप को अपने एक दूसरे ऐप में मर्ज कर दी है। किस ऐप में मर्ज की और किस तरीके से यूज करना है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और जैसा कि हम आपको बताएं कि ये ब्लूटूथ रिमोट वाला फंक्शनैलिटी है, तो यहाँ पे आईआर ब्लास्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है आपके फोन में। इसके अलावा आपका टीवी जो है वो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी के साथ आना चाहिए। आपका टीवी का जो रिमोट है, अगर वो एक ब्लूटूथ रिमोट है, इसका मतलब है कि आपके टीवी में ब्लूटूथ वाला फंक्शनैलिटी है और टीवी का जो ब्लूटूथ है उसको ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा इस फंक्शन को, ब्लूटूथ रिमोट वाले फंक्शन को अपने एंड्रॉइड फोन में यूज करने के लिए किसी भी तरीके का कोई इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ना ही आपका टीवी जो है वाईफाई से कनेक्टेड या इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ना ही आपके फोन में कोई वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट है। अगर कनेक्टेड है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल डेटा, वाईफाई कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो भी आप इस फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एंड्रॉइड टीवी का स्क्रीन है और यहां पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई ऑफ है। और यहां पे आप नीचे भी देख सकते हैं कि वाईफाई जो है हम कंप्लीटली यहाँ पे सॉकेट से ही डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, तो वाईफाई कोई कनेक्शन फिलहाल है ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बैक जाते हैं, आपको देखना है कि आपके टीवी में ब्लूटूथ का कनेक्शन जो है वो है या नहीं, ब्लूटूथ का फंक्शन है या नहीं, तो यहाँ पे अगर हम रिमोट एंड एक्सेसरीज में जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड एक्सेसरीज का ऑप्शन है और यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल शो कर रहा है, मतलब कि मेरे टीवी में ब्लूटूथ का फंक्शन है। और इस तरीके से आप भी जो है वो चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हम फोन यूज कर रहे हैं, ये एक 10,000 रुपीज के अराउंड का फोन है, मतलब कि एक बजट फोन है। और आपको अगर ब्लूटूथ रिमोट के तौर पे यूज़ करना है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि मेरे इस फ़ोन में कोई भी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, मोबाइल डेटा जो है वो ऑफ है, इवन इसमें सिम ही नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना, आपको जो है ना एक ऐप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना होगा। मैक्सिमम फ़ोन में ये ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जिस ऐप का नाम है गूगल प्ले मूवीज़, और अभी जो उसका नाम है रिसेंटली अपडेट के बाद वो आपको देखने के लिए मिलेगा गूगल टीवी के नाम से। तो ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आप ये एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये गूगल का डेवलप्ड एप्लीकेशन है। गूगल का जो पहले एंड्रॉयड टीवी रिमोट वाला एप्लीकेशन आता था, वो इसी एप्लीकेशन में अब गूगल जो है वो मर्ज कर दी है। सो यहाँ पे जो है ना, आपको इस गूगल टीवी एप्लीकेशन को ओपन भी करने का जरूरत नहीं है। अगर ये एप्लीकेशन आपके फोन में है तो उस कंडीशन में जो है ना, आप अपना कंट्रोल सेंटर डाउन कीजिएगा। कंट्रोल सेंटर डाउन करने के बाद जो है ना, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड टीवी रिमोट का एक स्विच देखने के लिए मिलेगा। अगर वो स्विच आपको देखने के लिए नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेंसिल का आइकन है, इसके ऊपर हम टैप करेंगे। एंड यहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पे अवेलेबल आइकन्स में टीवी रिमोट जो है वो शो कर रहा है, तो जस्ट इसको ड्रैग करके हम अपने कंट्रोल सेंटर में प्लेस कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने कंट्रोल सेंटर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवी रिमोट वाला जो स्विच है वो दिख रहा है। अब अगर आप कोई सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सैमसंग के फ़ोन में भी आपको कंट्रोल सेंटर में आना है। यहाँ पे लास्ट में आपको प्लस का आइकन मिलता है, प्लस के आइकन पे आप टैप करेंगे। एंड यहाँ पे ऊपर में अवेलेबल आइकन्स में भी जो है ना, आपको टीवी रिमोट वाला एक बटन देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट इस स्विच को जो है ना, आपको ड्रैग करके अपने कंट्रोल सेंटर में ड्रॉप कर लेना है, डन पे टैप कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मेन कंट्रोल सेंटर में टीवी रिमोट वाला जो ऐप है वो देखने के लिए मिल जाता है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास ये मोटो का एक बजट फोन है। एंड यहाँ पे अगर हम कंट्रोल सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे जो है ना, कोई भी हमको टीवी रिमोट वाला बटन जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इवन अगर हम इस पेंसिल के आइकन पर टैप करते हैं तो अवेलेबल आइकन्स में भी जो है ना, यहाँ पे टीवी रिमोट वाला कोई स्विच नहीं है। तो अगर आपके फ़ोन में भी ये टीवी रिमोट वाला स्विच नहीं दिख रहा है तो सिंपली आपको जो है ना, इस गूगल टीवी ऐप को एक बार ओपन करना होगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस ऐप को एक बार प्रॉपरली आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से ये टीवी एप्लीकेशन, जो गूगल टीवी एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट टाइम ओपन होगा। जस्ट यहाँ पे आपको जो है ना, पहले बार आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा या आप मोबाइल डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल डेटा जो है वो यूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको रीट्राई करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कुछ सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पे डन डन पे टैप कर देना है। एंड इस एप्लीकेशन को जो है ना, जस्ट आपको एक बार पूरा पूरा ओपन कर लेना है और इसको क्लोज कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे हम अपने मोबाइल का जो मोबाइल डेटा है उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। एंड अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी रिमोट वाला जो स्विच है वो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम पेंसिल के आइकन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे जो है टीवी रिमोट वाला स्विच जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बीच में लाइन कट गया था। एंड आपको इस स्विच को जो है ना, जस्ट ड्रैग करके अपने कंट्रोल सेंटर में कहीं पे भी प्लेस कर लेना है।
एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को डाउन करें तो यहाँ पे आपको जो है ना टीवी रिमोट वाला जो स्विच है वो देखने के लिए मिल जाता है। सो एक बार जब आपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के कंट्रोल सेंटर में टीवी रिमोट का स्विच ऐड कर लेते हैं, जस्ट आपको इस स्विच के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको लोकेशन का नियर बाई डिवाइसेस को स्कैन करने का कुछ परमिशन जो है वो जस्ट यहाँ पे आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपके डिवाइस को ये स्कैन करेगा, मतलब आपके टीवी को स्कैन करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा टीवी जो है वो शो करने लगा। मेरे फ़ोन में कोई भी वाईफाई नहीं कनेक्टेड है, कोई भी मोबाइल डेटा जो है वो ऑन नहीं है, और आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मी टीवी जो है वो शो कर रहा है, जस्ट इसके ऊपर हम टैप करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे मी टीवी पे एक पेयरिंग रिक्वेस्ट आपको आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग के बाद मेरा यहाँ पे टीवी जो है वो शो कर रहा है, और जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करते हैं ना, आपके टीवी पे जो पेयरिंग रिक्वेस्ट मिलता है उसको आपको क्विकली सेलेक्ट करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद आप देख सकते हैं पेयरिंग रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे फोन पे भी हम पेयर पे टैप कर दिए, बट फिर भी यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट डिवाइस में स्कैनिंग में शो कर रहा है। और यहाँ पे अब अगर आप अपने मी टीवी को सेलेक्ट करते हैं या आप अपने किसी भी एंड्रॉयड टीवी को सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर से आपको पेयरिंग का रिक्वेस्ट नहीं आएगा, आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके टीवी से एज अ ब्लूटूथ रिमोट, और आपको कुछ इस तरीके का लेआउट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपके पास वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन है। और फर्स्ट टाइम वॉइस असिस्टेंट को यूज़ करने के लिए आपको रिकॉर्ड ऑडियो वाला परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए मेरा वॉइस असिस्टेंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। अब अगर आपको दोबारा यूज़ करना है अपने टीवी रिमोट को, तो जस्ट आपको इसको टैप करना है एंड यहाँ पे आपका टीवी जो है वो शो करेगा, और ऑटोमेटिकली जो है ना या तो कनेक्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप इसके ऊपर टैप करते तो वापस से आपको पेयर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको यूज़ कर पाएंगे बिना पेयरिंग के लिए, सिर्फ आपको एक ही बार पेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको एक इस तरीके का ट्रैक पैड मिलता है, जिससे आप जो है ना इस तरीके से स्वाइप कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम नेविगेट कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको बैक का बटन मिलता है, बैक के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक हो रहा है, और यहाँ पे हम स्वाइप करके नेविगेट जो है वो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे जिधर भी नेविगेट करना हो वो नेविगेशन जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होम बटन जो है वो देखने के लिए मिलता है, होम बटन पे आप टैप करेंगे तो आप अपने टीवी के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूट फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम अगर आपको डाउन करना है तो आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम अगर आपको इंक्रीज करना है तो आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर में आपको पावर बटन मिलता है, जिसके ऊपर टैप करके आप अपने टीवी को ऑफ कर सकते हैं, वो हम आपको वीडियो में लास्ट में दिखाएंगे। और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे अगर हम टैप करते हैं तो स्वाइप कंट्रोल हम आपको दिखा चुके हैं। डी पैड का अगर हम बात करें तो इस तरीके का आपको डायरेक्शनल पैड देखने के लिए मिल जाता है, तो अगर आप स्वाइप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके का नेविगेशन बटन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस ब्लूटूथ रिमोट का एक चीज़ जो हमको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि इसमें आपको जो है ना आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं टाइपिंग के लिए, जो कि आपके नॉर्मल टीवी रिमोट में जनरली आज के डेट में नहीं मिलता है। इवन अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें आईआर ब्लास्टर है, चाहे वो मी का फ़ोन हो, आईकू का फ़ोन हो, जो उसका रिस्पेक्टिव ऐप है ना, वहाँ पे भी आपको कोई कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड को टाइपिंग के लिए यूज़ कर पाएं अपने टीवी के लिए। बट यहाँ पे आपको ये जो गूगल का टीवी रिमोट एप्लीकेशन मिलता है, इसके थ्रू आप टाइपिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन में कीबोर्ड के थ्रू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम सर्च के ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम क्लिक टू टाइप का ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करते ही जो है ना मेरे फ़ोन पे जो है ना यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जाता है एंड यहाँ से हम टाइपिंग कर सकते हैं। और इस पे टाइपिंग करना काफ़ी सुविधाजनक होता है इस पे टाइपिंग करने के कंपैरिजन में। सो ये एक फीचर जो है वो हमको काफ़ी यूज़फुल लगा। एंड यहाँ पे आप चाहें तो इसके ऊपर टैप करके कीबोर्ड को बंद भी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड इनेबल करना है तो इसके ऊपर टैप करके आप कीबोर्ड को इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है आपको किसी भी आईआर ब्लास्टर वाले फ़ोन के उसके रिस्पेक्टिव ऐप में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। अब लास्ट यहाँ पे ऑफ अगर आपको करना है तो जस्ट इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप ऑफ भी कर सकते हैं अपने टीवी को, और मेरा टीवी जो है वो ऑफ हो चुका है। और इस तरीके से अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को एज अ ब्लूटूथ रिमोट यूज करने का जो हमको दो मेजर एडवांटेज लगा, पहला कि आपको अपने टीवी के ब्लूटूथ रेंज में होना होता है, ना कि आपको अपने टीवी की तरफ डायरेक्शन करके कमांड देना होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में करके कमांड देंगे वो प्रॉपरली वर्क करता है, बिकॉज ये ब्लूटूथ के थ्रू वर्क करता है। और दूसरा जो है वो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, चाहे आपको YouTube पे सर्च करना है, Amazon Prime पे कोई मूवी सर्च करना है, टाइपिंग के लिए जो है ना आपको फ़ोन में कीबोर्ड मिल जाता है। और यहाँ पे हम बहुत सारा फ़ोन्स और भी यूज़ किए हैं, जैसे ये मेरे पास आईकू का नियो 6 है, या फिर Redmi का मेरे पास 11i हाइपर चार्ज है, वहाँ पे IR ब्लास्टर मिलता है और उसके लिए रिस्पेक्टिव ऐप भी है, जैसे Xiaomi का मी रिमोट ऐप है, आईकू के फ़ोन में भी एक स्मार्ट रिमोट ऐप मिलता है, बट यहाँ पे आपको कीबोर्ड वाला फंक्शनैलिटी जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा जब आप IR ब्लास्टर के थ्रू अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको अपने टीवी के डायरेक्शन में करके कमांड देना पड़ता है, बट यहाँ पे वो सब लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को, बजट का हो, फ्लैगशिप हो, आपके फ़ोन में IR ब्लास्टर हो चाहे नहीं हो,
ब्लूटूथ के थ्रू इस तरीके से अपने एंड्रॉयड टीवी के लिए रिमोट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इंटरनेट का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है वो आप कर सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप अलग अलग जगह पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।